नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मालवीय क्लासेस में। और साथियों, जैसा कि बहुत समझने के बाद, बहुत चीज़ों पर नज़र डालने के बाद इस चीज़ को देखा गया है कि IRBGD कांस्टेबल की सीधी 17,000 वैकेंसी देखने को पाई जा रही है। और यह भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो IRB की 17,000 वैकेंसी है वो 20,000 के समथिंग भी हो सकती है। बहुत बड़ा एक सवाल आ रहा है कि सर, इसमें कुछ स्टेट चूज कर रखे हैं कि इस स्टेट से इतनी ही वैकेंसियां हैं, जिसे 5 स्टेट दिए गए हैं, तो क्या सिर्फ वहीं के बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं या पूरे इंडिया से कहीं से ही बच्चा, क्या सर हम उसके लिए विजिबल हैं या नहीं है, सर हमारी एज इतनी है, हमारी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी इसमें, या फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, या पहले रिटन एग्जाम होगा, बहुत सारी मन में सवाल आ रहे हैं। सर SSC GD जैसा पैटर्न होने वाला है क्या? तो पहली चीज यह है कि ये आपका सेंट्रल वैकेंसी है, ठीक है। स्टेट वैकेंसी से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पहले आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि IRB होता क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि IRB है क्या। IRB की जो फुल फॉर्म होती है, IRB की होती है इंडियन रिजर्व बटालियन, ठीक है। इस ये बटालियन एक स्पेशल बटालियन है, जैसे कि आप ये माने कि इसलिए बनाई गई, जैसे कहीं पर दंगा फसाद हो जाते हैं, कोई झगड़े हो जाते हैं, ठीक है, जैसे PSC लगती है ना, इसी प्रकार से ये आपका एक बटालियन बनाई गई है जहां पर ये 5 स्टेट के लिए स्पेशल बनाई गई, यानी जैसे कहते हैं 5 तत्व, तो इसी प्रकार ये आपकी बटालियन बनाई गई है। ये वैकेंसी कुछ ऐसी वैकेंसी है जहां पर बच्चों को पता ही नहीं लग पाता। जैसे आप समझिएगा, पहले क्या होता था, जैसे डाक की वैकेंसी निकल गई कि 500 इसकी वैकेंसी, 200, ऐसी नॉर्मल वैकेंसी हमें पता ही नहीं होता था। पर आज के टाइम में क्या है, सारी सुविधाएं क्या हो गई है, ऑनलाइन हो गई है, जिस कारण से छोटी छोटी वैकेंसियां भी हमें पता चल जाती हैं, फोन पे नोटिफिकेशन आ जाता है, या हम कैफे पर जाकर जब फरवाते हैं वहां पे लिखा रहता है बड़ा बड़ा, ठीक है, कि ये वैकेंसियां निकल रही हैं तो हम भर देते हैं। अब पहले क्या था, हम कैफे पे गए तो वहां पर अगर देख लिया लिखा हुआ तो हमने उसको फॉर्म भर दिया, जो बड़ी बड़ी वैकेंसी है उसका ऐड होता है वो तो सब भर लेते हैं, पर जैसे हुई डाक की हो गई, कर्मचारी विभाग की हो गई, किसी को पता ही नहीं चल पाता था। पर ऑनलाइन का जब से जमाना हो गया है, अब सीधा फोन पे नोटिफिकेशन आता है, अब छोटी सी छोटी वो वैकेंसी जिसमें हमें ये लगता है कि यार इसके कम पद हैं पर मैं फिर भी एक इसमें से अपना पद ले सकता हूं, तो अब हम भर लेते हैं, तो चीजें बदल गई हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे आप ये IRBGD की जो अब तक जो पेपर होता था वो ऑफलाइन मूड में होता था, क्या होता था, ऑफलाइन मूड में होता था, परंतु अब जो पेपर होगा इस बार वह आपका ऑनलाइन मूड में होगा। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जो हमारी ये आपकी नई बटालियन बनाई गई है, ठीक है, ये बटालियन ये एड्रेस पहनती है, ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। बटालियन के बारे में बताऊंगा आपकी क्या, इसमें क्या एज मांग रहे हैं, क्या चीजें हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। इसमें सबसे छोटी चीज मांग रही है, यानी कि अगर आप 10th पास है, सबसे पहली चीज, अगर आपने 10th पास कर रखी, अगर इंडियन रिजर्व, ठीक है, अगर आप इसमें इस बटालियन में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीट कहां कहां पर सर कितनी है हमारी। सबसे पहले बात करेंगे कि 17,000 जो आपकी टोटल वैकेंसी है, जिसमें से जम्मू कश्मीर में 5,000 यहां पर पोस्ट दी गई हैं, आपका छत्तीसगढ़ से 4,000 वहां पर जाएंगे, ओडिशा में आपके 3,000, झारखंड में 3,000 और महाराष्ट्र में आपके 2,000। तो ये 5 आपके स्टेट सेलेक्ट किए गए हैं जहां पर ये बटालियन जाएंगे। मन में प्रश्न आता है, सर क्या जहां जहां के बच्चे, जहां जहां की पोस्ट निकली है, क्या सिर्फ वहीं के बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं या ऑल ओवर इंडिया? हाँ भैया, याद रखना, इंडिया में आप कहीं से भी हो, इंडिया में आप कहीं से भी हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस ये समझ लीजिएगा कि आपकी जो पोस्टिंग होगी या तो जम्मू कश्मीर होगी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड या महाराष्ट्र होगी, ठीक है। ये स्पेशल एक आपकी बटालियन बनाई गई है कि जो कि तब काम में आएगी जब आपका कहीं, कहते हैं कि दंगा फसाद हो गया, जब कहाँ, कहते हैं कि युद्ध छिड़ जाते हैं, यानी कहते हैं कि जैसे किसी समाज के भी, जैसे मुस्लिम हिंदू हो जाते हैं या कुछ भी ऐसा एटूजर होता है, जहां पर कह सकते हैं कि आपसी विवाद हो जाते हैं उसके लिए। इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ लेते हैं साथियों, इसमें अब बात कर लेते हैं हम क्वालिफिकेशन के बारे में कि सर हमारी क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। इसमें नॉर्मल आपसे बस सिर्फ और सिर्फ क्या मांगा गया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे कहा गया है कि आप 10th पास होने ही चाहिए। और आपकी जो एज की बात है, वहां आपकी एज 1/1/2023
आपकी तक मांगी, कब तक मांगी गई है, 1/1/2023 तक 18 से 25 आपकी यहां पर एज मांगी गई है, जो कि मैं आपको यहां पर बता देता हूं इसके बारे में। देखिएगा आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 मांगी गई है और आपकी मैक्सिमम क्या मांगी गई है 25 साल। कब से कब तक सर? 1/1/2023 1/1/2023 तक, ठीक है। ये इन्होंने फाइनली डिसीजन ले लिया है। और जैसे कि रिलैक्सेशन आपको पता है ओबीसी में आपका 3 साल का, SC ST में 5 साल का, तो वो यहां पर भी आपका अप्लाई रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों आगे बात करते हैं सर, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हमारे सब्जेक्ट क्या होंगे, कितने मार्क्स का आएगा, कितना टाइम मिलेगा, फिजिकल क्या होगा, सबसे पहले फिजिकल होगा या रिटन एग्जाम होगा, वो भी मैं बताऊंगा। पहले ध्यान से सुनिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि सबसे पहले फिजिकल, SSC GD होता है या अदर में आपको होता है, सबसे पहले क्या होता है, रिटन एग्जाम होता है, ठीक है। बट ये क्या है, जैसे आपका आर्मी की वैकेंसी होती है ना, सबसे पहले क्या होता है, फिजिकल होता है ना, उसके बाद रिटन एग्जाम। तो सेम यहां पर ARB जो आती, ठीक है, IRB GD जो है SSC GD से थोड़ा सा डिफरेंट है। SSC GD में क्या होता है, सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है, बट यहां पर सबसे पहले फिजिकल होगा, उसके बाद आपकी क्या हो गया, रिटर्न होगा। सर फिजिकल में क्या क्या मांग रहे हैं कितना, वो भी चर्चाएं करेंगे, रिटर्न एग्जाम में क्या क्या आएगा सब बात करेंगे। तो पहले फिजिकल होगा, उसके बाद रिटर्न होगा, ठीक है, आपका रिटर्न एग्जाम होगा, फिर मेडिकल, फिर DV आपका होगा, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर रहना है, सारी चीजें सारे प्रोसेस बताऊंगा, कैसे पढ़ना है वो भी बता दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। यहां पर अगर बात की जाए इनहैंड सैलरी की, तो आपकी बाबू सैलरी जो रहने वाली है 25,000 रुपए, ठीक है, 25,000। और आपको यह भी एक चीज पता होना चाहिए, यहां पर सैलरी सिर्फ 25,000 नहीं होती, यहां 25,000 प्लस होती है। सर प्लस कैसे, आप इसको ऐसे समझिए कि आपको अगर ऐसे क्षेत्र में भेज दिया जहां पर खतरा बहुत ज्यादा है, तो वहां जाने से आदमी घबराएगा, ठीक है। परंतु एक यहां पर बताया गया कि जहां पर आपको एक ऐसी जगह पर जहां पर क्या होगा, आपको वर्क ज्यादा करना है, यानी कि प्रेशर जहां पर ज्यादा है, तो उसके हिसाब से आपको सैलरी भी 25,000 प्लस 30 भी हो सकती है, ठीक है भैया, ये जानकारी मिली है। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। हमारा जो पेपर होगा, इस बार मैंने क्या बताया, पिछली बार ऑफलाइन हुआ था, अब तक ऑफलाइन ही होता आया है, बट इस बार हमारा जो एग्जाम होगा वह ऑनलाइन मोड में होगा। जो क्वेश्चन आएंगे वो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ बेस्ड होंगे, ठीक है। रिटन एग्जाम होगा, टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको एक अंक कितना है याद रखिएगा, आपका 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 ही मार्क्स के होंगे, 100 ही मार्क्स के आपके यहां पर होने वाले हैं। साथ ही साथ बात करें कि सर ड्यूरेशन क्या होने वाला है, ड्यूरेशन पर सर एक बात बताओ, सर 2 घंटे में ये तो हो जाएंगे, परंतु याद रखिएगा आपके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है, आपके लिए यहां पर एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। चैलेंज क्यों सर, क्योंकि प्यारे दोस्त आप 10th पास, वहां पर 10th पास मांगा जा रहा है, और जो बच्चा 1 to 10th पढ़ा होगा उसको ये सिलेबस के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ना तो उसने वो कभी मैथ पढ़ा, जो रीजनिंग आता है ना उसने कभी वो रीजनिंग पढ़ी, और ना वो GK पढ़ी, ना वो हिंदी पढ़ी, ना वो इंग्लिश पढ़ी। सर क्या इंग्लिश हमारे में होगी या इंग्लिश, अभी सब बताऊंगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। रिटन एग्जाम में क्या क्या पूछ रहा है, आपका सिलेबस क्या है, आपको एग्जाम कैसे क्रैक करोगे, पूरा प्रोसेस लेके आया हूं, टेंशन मत लीजिएगा। अब बात यह है गुरुदेव, यहां पर हमें एग्जाम पैटर्न पता चल गया, पर यह बताइए किस किस सब्जेक्ट से आएगा। तो मैं रिटन एग्जाम, देखो मुझे पता है सबसे पहले फिजिकल होगा, तो फिजिकल में क्या क्या मांगा जा रहा है उसको ध्यान से समझ लेंगे। जब आपका फिजिकल होगा उसमें सबसे पहले आपकी हाइट देखी जाएगी, सर हाइट कितनी है बताऊंगा, सुन लीजिए, फिजिकल में सबसे पहले आपकी हाइट देखी जाएगी, हाइट कितनी है, चेस्ट देखी जाएगी और आपका वेट, ठीक है, जैसे फीमेल होती है उनका वेट देखा जाता है, इसी प्रकार आपका रनिंग देखी जाएगी, रेस, ठीक है, लॉन्ग जंप, ठीक है, लॉन्ग जंप, हाई जंप। इसमें एक चीज और पहले, ये मैं आपको पूरा इसलिए डिटेल में बता रहा हूं कि इसमें रनिंग तो बताई गई है, पर अभी जो कहते हैं ना ऑफिशियली, जो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, क्योंकि ऑफिशियली जब नोटिस आएगा तभी मैं बता पाऊंगा कि उसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक, इसके बारे में अभी मेंशन नहीं कर रखा है, अभी मेंशन नहीं। सर जो ये कब तक आएगी वैकेंसी का, यानी कि कब से हम इसकी तैयारी करेंगे, सब बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। ना तो इसमें लॉन्ग जंप की चर्चा है, ना हाई जंप की चर्चा है, और ना ही गोला फेंक वगैरह की चर्चा है इसमें, ठीक है। तो अभी रेस के लिए ही ऑफिशियली जो आपका नोटिस है उसमें जारी कर रखा है कि लॉन्ग रेस कितनी है, रनिंग के बारे में बताऊंगा। जो आपका PET है वो क्वालिफाइंग मांगा गया, मतलब इसका कोई मार्क्स नहीं, बस आपसे देखा जाएगा कि आप इसके लिए कर सकते हैं। दूसरी बात यहां पर आपको पता होनी चाहिए कि जब आप एग्जाम क्वालिफाइन करना चाहते हैं, जब आप क्वालिफाइन करेंगे तो उसके लिए क्या क्या चाहिए।
जो मेल कैंडिडेट हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं दोनों ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को। हाइट जो है आपकी मिनिमम कितनी मांगी गई है, 170 मांगी गई है, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 157 मांगी गई है। इसी प्रकार जो चेस्ट की बात करें तो चेस्ट आपकी होनी चाहिए 80 से 85, मतलब 80 तो नॉर्मल होने चाहिए और फुलाने के बाद 5 का मांगा जाता है, तो 80 से 85, बात समझ में आ गई। फीमेल के लिए यह चीज क्या होती है, अप्लाई नहीं होती है। वेट के लिए हां, लड़कों के लिए क्या है, मतलब ये मान लो कि हाइट यहाँ जैसे नॉर्मल और अदर वैकेंसी में होती है ऐसे ही होगी, कुछ अलग नहीं है। बस यहाँ पर सीधा खेल क्या है, एज का है। यहाँ पर आपकी जो एज है 18 से 25 मांगी गई है। यहाँ पर जो बच्चे मांगे गए हैं वो हष्ट पुष्ट मांगे गए हैं, मतलब क्या, अब इसमें देखो आपने देखो वेट यहाँ पर मेंशन नहीं है, पर वो उन बच्चों को लेंगे जो इस लायक होंगे, क्योंकि इस वैकेंसी का नाम आपने देखा IRB, एक ऐसी बटालियन जिसको जिसके अंदर बल हो, क्षमता हो, अगर आगे लड़ने वाला तो उसे लड़ पाए, समझ रहे हो। तो एक हष्ट पुष्ट बच्चा चाहिए उन्हें, ठीक है। 10th पास, यानी कि जिसके अंदर नया जोश नया जुनून हो, ठीक है। इसी प्रकार मैं आगे बात कर लेता हूं, सर सिलेबस क्या होने वाला है हमारा, सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं, आइएगा सिलेबस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं साथियों। तो आपको यह पता होना चाहिए कि सर जब हमारा IRB का एग्जाम होगा, सर जब हमारा IRB GD का एग्जाम होगा, GD कांस्टेबल का एग्जाम जब होगा तो इसमें आना क्या क्या है, सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो प्यारे दोस्त आपका आएगा मैथ, आपका आएगा मैथ। बच्चों के मन में यह भी है सर नेगेटिव मार्किंग आएगी या नहीं आएगी, आपके प्रश्नों को भी लूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। आपके एग्जाम में मैथ आएगा, आपके एग्जाम में रीजनिंग आएगा, आपके एग्जाम में रीजनिंग आएगा, और किन बच्चों का सिलेक्शन होगा और किसका नहीं ये भी मैं अभी क्लियर कर दूंगा, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। मैथ, रीजनिंग, GK, GS भी आएगी आपके एग्जाम में, ठीक है, और आपका हिंदी। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो हिंदी भी है यहाँ पर और आपका हिंदी इंग्लिश भी है, पर याद रखिएगा ये सिर्फ चॉइस के सब्जेक्ट हैं, अगर आप हिंदी लेना चाहते तो हिंदी ले लेना, इंग्लिश लेना चाहते हैं तो इंग्लिश। अब सर कितने कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन, तो आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, सर इसकी तैयारी कैसे होगी, तैयारी भी आप कर लेना। आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। कितने मार्क्स के आने वाले हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है, कितने मार्क्स के आने वाले हैं इसके बारे में जान लेते हैं। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। रीजनिंग आपकी 25 क्वेश्चन 25 ही मार्क्स के आएंगी, आपका GK GS आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे। इसी प्रकार हिंदी इंग्लिश चॉइस का सब्जेक्ट है, यहां भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, यानी कि सिर्फ हमें 100 क्वेश्चन करने हैं और 100 ही हमें मार्क्स मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का है। यहां पर हमें टाइम ड्यूरेशन जो दिया जा रहा है 2 घंटे का दिया जा रहा है, 2 घंटे मतलब आप समझ लीजिए 120 मिनट हमको टोटल मिल रही है, 120 मिनट हमें टोटल मिल रही है। अब यहां आपके लिए एक तो चीज आसान हो गई है, क्योंकि 120 मिनट में आपको सिर्फ 100 क्वेश्चन करने हैं, तो मैं कहूंगा एक क्वेश्चन को करने में भी आपको टाइम मिल रहा है, पर वो इन्होंने इतना टाइम क्यों दिया, 100 क्वेश्चन में 120 मिनट का टाइम इसलिए दे दिया है क्योंकि जो 10th पास कर रहा है बच्चा उसको इस लेवल से अभी कोई भी, मतलब इस लेवल तक वो पहुंचा नहीं है। इसमें लेवल की बात करें तो आपका अर्थमेटिक आएगा, क्या आएगा, अर्थमेटिक आएगा, कुछ टॉपिक एडवांस के आ सकते हैं, जैसे हो सकता है एलजेब्रा से आ जाए, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आए, DI का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, वैसे मुश्किल है DI यहां पर, ये तो आपको अर्थमेटिक तो आपका आना ही आना है। रीजनिंग की बात करें तो वर्बल तो कंप्लीटली आता है, नॉन वर्बल रीजनिंग भी देखने को मिलेगी, और 2 टॉपिक आपके लॉजिकल रीजनिंग से भी यहां पर देखने को मिलेंगे। GS की बात करें तो स्पेशल यहां पर एक तो आपका जो स्टेट है, मैं कह सकता हूं ये तो भाई आपकी क्या है, सेंट्रल वैकेंसी है, तो यहां पर आपका कुछ कहते ना कि करंट अफेयर ज्यादा से ज्यादा ऐड होगी, वन लाइनर GK के क्वेश्चन होंगे, तो उन पर आपको फोकस करना है, कुछ मानचित्र से क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और कुछ हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हिंदी और इंग्लिश जो भी आपको सही लगे उनमें से एक सब्जेक्ट चॉइस कर लीजिएगा। यहां तक सभी को समझ में आ गया। अब क्या क्वेश्चन आ रहा है, सर नेगेटिव मार्किंग क्या होने वाली है, नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें, और कोई क्वेश्चन, और सर कब तक वैकेंसी आएगी, कब तक वैकेंसी सर आएगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा। कुछ बच्चों का यह है सर क्या नेगेटिव मार्किंग आने वाली है या नहीं, तो याद रखिएगा इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ गई हैं। और
अब इसकी तैयारी कैसे करेंगे सर? मैथ के 25 क्वेश्चन 25 मार्क, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क, जीके जीएस 25 क्वेश्चन 25 मार्क, हिंदी इंग्लिश चॉइस का है 25 क्वेश्चन 25 मार्क, मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के यहां पर आने वाले हैं। और मैं अब बात आती है कि सर आपने सब कुछ बता दिया, अब इसकी तैयारी कैसे करेंगे? अब वो मैं आपको पता है, यहां पर मालवीय क्लासेस के ओनर कमल मालवीय सर जो मैथ की ब्रांड जाने जाते हैं, 10-15 हजार जिनके लाइव बच्चे उनको देखते हैं, वो आपको समझाएंगे एक बेस्ट स्ट्रेटजी जिनको तरीके पता है। सर आइए, आपका स्वागत है, और बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि वो आईआरबी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात आपको समझा देंगे सर। लीजिए सर। धन्यवाद विकास सर, और हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? तो आप सभी जानते हैं कि आईआरबी जीडी जो कि एक तरह से रिजर्व आर्मी, रिजर्व फोर्स की तरह काम करेगी, और जो कुछ स्टेट के लिए स्पेशली बनाई जा रही है, जैसे जम्मू कश्मीर हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, जहां पर नक्सल प्रभावित जो राज्य है वहां के लिए बनाई जा रही है, तो यह एक सही कदम है, और एक इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि 17,000 से अधिक पद आने वाले हैं, एक स्टेटमेंट पहले भी आया जहां पर बताया 30,000 पद आएंगे, लेकिन फिर उसके बाद इसे रिवाइज किया गया और 17,000 पदों की बात की गई। इसका सेम टू सेम सिलेबस रहेगा एसएससी जीडी की तरह, क्योंकि ये एसएससी जीडी की ही तरह की वैकेंसी है। एसएससी जीडी में माना कि बीएसएफ भी होता है, आईटीबीपी भी होता है, सीआईएसएफ भी होता है, सीआरपीएफ भी होता है, लेकिन यह सीआरपीएफ के लेवल की वैकेंसी है। जो सीआरपीएफ का काम होता है वही काम इस आईआरबी जीडी का काम है, इस बात को समझिएगा, सेम सीआरपीएफ की जैसी वैकेंसी है। तो इसका जो पैटर्न है वो भी विकास सर ने बताई दिया है आपको, यहां पर भी आपको चार ही विषय पढ़ने हैं, यहां पर भी आपको चार विषय पढ़ने हैं। पढ़ना है आपको क्या? रीजनिंग पढ़ना है, क्योंकि रीजनिंग के 25 सेम रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन आएंगे आपके, आपको रीजनिंग पढ़ना है, आपको पढ़ना है मैथ्स, और हम आपकी तैयारी भी कराएंगे, आपसे एक रुपया नहीं चाहिए, आपका आएगा इसमें हिंदी। तो मुझे पता है जो भी जीडी का फॉर्म भरेगा वो इंग्लिश वाला बच्चा तो नहीं है, वो हमारा गांव का, हमारे समाज का बच्चा है जो हिंदी पढ़ता है, और आपका आएगा जीके जीएस। अब समझिए, देखिए यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में लेवल में ज्यादा अंतर नहीं होता, तो हम यूट्यूब पर यूपी पुलिस की शानदार तैयारी करा रहे हैं, जिसकी क्लासेस शाम 7 बजे चलती है, शाम को सात बजे रीजनिंग की क्लास होती है, विकास सर पढ़ाते हैं, रात को 8 बजे मेरी मैथ की क्लास होती है, और अभी मैं मैथ पढ़ाकर ही आप सभी के बीच आ रहा हूं। इसके बाद रात को 9 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है मेरे साथी, और अभी हिंदी की लाइव क्लास चल रही है, और रात को 10 बजे जीके जीएस की क्लास होती है मेरे साथी। आप इन क्लासेस को अटेंड करना शुरू कर दीजिए, इन क्लासेस से पढ़ना शुरू कर दीजिए, और याद रखिएगा हम टॉपिक वाइज, ये तो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, यूट्यूब पर फ्री टॉपिक वाइज क्लास शुरू कर रहे हैं, YouTube पर सुबह 10 तारीख से सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। देखो जैसे रात को 4 घंटा भाई, 7 से 11 4 घंटा, 4 क्लास है ना ये भाई, 4 विषय आते हैं आपके, आते हैं रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जीके, आपके 4 विषय आते हैं ना, तो इन 4 विषय को जैसे हम रात को यहां पर प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, वैसे ही सुबह में आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। कब से? 10 जुलाई से सुबह 10 से 2, यही जैसे पहले रीजनिंग होता है, फिर मैथ होता है, फिर हिंदी होता है, फिर जीके होता है, ऐसा ही हम 10 तारीख से करने वाले हैं, सेम टू सेम 10 तारीख से करने वाले हैं। शाम की क्लास तो आपकी चलेगी बेटा, शाम की क्लास तो आपकी चलेगी, लेकिन जो सुबह का है ना, सुबह का वहां पर आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, पहले 10 बजे रीजनिंग, फिर मैथ, फिर जीके, फिर हिंदी, और सब कुछ डिस्क्रिप्टिव टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, तो आपकी शानदार तैयारी कराई जाएगी। सर रनिंग कितनी है बेटा? वही 1600 मीटर ना सर, रनिंग 1600 मीटर ही है, जो एसएससी जीडी का मापदंड है सेम मापदंड है, जैसा एसएससी जीडी का एग्जाम लेवल था वैसा ही लेवल है। जैसे एसएससी जीडी में जो चीज चाहिए थी, जो एज लिमिट चाहिए, जो हाइट चाहिए, जो आपको सीना चाहिए, वो सब कुछ है, बस अब आपको तैयारी करनी है, आपको तैयारी में जुटना है। तो जितने भी मेरे सर, एक बच्चा है ज्योग्राफी वाला, कह रहा है मेरी बात सुन, बच्चों के क्वेश्चन का जवाब दे, कैसा टीचर है तू? सॉरी मैं ऐसा ही टीचर हूं दोस्त। अब पर ये तो बताओ आप, मैं यहां पर बताऊं या कमेंट पढ़ूं? पहले पहला काम होता है हमारा कमेंट, आपको बताना कि क्या है कैसे है, और लास्ट में हम कमेंट पढ़ते हैं। बच्चों लगता है कि मास्टर के आंखों में कमेंट आ रहा है, हम कमेंट करेंगे एकदम से दिख जाएगा मास्टर को, ऐसा नहीं होता बेटा, इस बात को समझना होगा आपको। पर आपकी कमेंट और आपके लहजे को देखकर मुझे पता चल गया कि आप वास्तव में बहुत अच्छे बच्चे हैं। बाकी बच्चे तो कुछ नहीं कह रहे हैं, बाकी बच्चे सुन रहे हैं ना, जो बता रहे हैं प्रोसेस नहीं है आप।
देखा बच्चों कमेंट पढ़ते ही जवाब देने लगा, बेटा जब कमेंट फोन उठाऊंगा पढ़ूंगा तभी जवाब दूंगा। चलो कोई बात नहीं, रनिंग का हो रहेगा, रनिंग को बच्चों को बता दो। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, आइए बेटा रनिंग की बात कर लेते हैं। सर कहाँ है? रनिंग का मेंशन नहीं करा इसमें। ठीक है बेटा, रनिंग का जो पूछ रहे थे, रनिंग का 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर कितने में सर? 24 मिनट में। 24 मिनट में गर्ल्स के लिए 1600 मीटर है, कितने में? 8.5 मिनट में। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा अब सुनो, अब आपकी हिंदी की क्लास चल रही है, अभी आप जाइए हिंदी क्लास अटेंड कीजिए, हिंदी क्लास लीजिए, और याद रखिएगा कल से आपको रेगुलर जुड़ना होगा, रेगुलर आपको लाइव आना होगा हमारे साथ। शाम को आपकी दो तरह से पढ़ाई होगी, आपकी दो तरह से तैयारी होगी, एक होगी टॉपिक वाइज और एक होगी मॉडल पेपर, सुन लेना ध्यान से, एक होगी आपकी तैयारी टॉपिक वाइज और एक होगा मॉडल पेपर, ठीक है। शाम को आपके मॉडल पेपर होंगे, शाम को 7 बजे रीजनिंग होगा याद रखिएगा, रात को 8 बजे आपका मैथ होगा याद रखिएगा, रात को 9 बजे आपका हिंदी होगा, क्या होगा? रात को 9 बजे आपका हिंदी होगा, ये बात समझ लीजिएगा याद रखिएगा, और रात को 10 बजे आपका जीके जीएस होगा, और 10 तारीख से आपकी सुबह में भी क्लास शुरू हो जाएंगी जहां पर आपकी टॉपिक वाइज क्लास होगी। थैंक यू सो मच, अभी हिंदी क्लास चल रही है, जाइए हिंदी पढ़िए और अपने सिलेक्शन को पूरा कीजिए, अपने सिलेबस को पूरा कीजिए। नमस्कार बच्चों, थैंक यू सो मच।